हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एक्सपर्ट अरीबा। मैं अरीबा आज आप लोगों को ऑक्सी नेचुरल रेडियंस 5 क्रीम ब्लेच का रिव्यू करूंगी, जो कि मेरा ईद स्पेशल है। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सो फ्रेंड, आज मैंने ऑक्सी लाइफ नेचुरल रेडियंस 5 क्रीम ब्लिच विथ एक्टिव ऑक्सीजन लिया है। जी हाँ, ये क्रीम ब्लिच है और इसे कैसे लगाना है, इसका क्या तरीका है, और साथ में इसे ब्यूटी मंत्रा भी दूंगी। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। आज मैंने लिया क्रीम ब्लिच, जैसे कि मैंने बताया ये इंटायर द ऑक्सीजोन एट इतना सा डॉट डॉट है, पीछे बार कोड है, स्कैन ऑन द कोड फॉर हाउ टू यूज बी हेल्दी वी फेयरनेस। ये अपना ओरिजिनल प्रोडक्ट का इसका पहचान भी है। और गाइस, इसे मैंने 42 रुपीस में परचेस किया है और ये 9 ग्राम की है। इसमें क्रीम ब्लीच 7 ग्राम की है और पाउडर एक्टिवेटर 1 ग्राम का है, पोस्ट ब्लीच स्किन रेडियंस सीरम 1 ग्राम की है, तो टोटल हो गया 9 ग्राम की। इसे यूज कैसे करना है ये भी मैं बताऊंगी। और देखिए, ब्लीच मैं आपको बता दूं कि ये 18 प्लस के लोग ही यूज करें, 18 से पहले से बिल्कुल यूज ना करें। और ब्लीच लगाने से थोड़ा स्किन जलता ही है, चाहे आप पार्लर में करें चाहे घर पे ही करें। और ब्लीच स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल नहीं होता है, ये मैं जरूर वीडियो पर मैं बता दे रही हूँ। और मेरी वीडियो को प्लीज स्किप ना करें, अगर आप स्किप करेंगे तो कुछ भी आपने समझ नहीं आएगा ब्लीच के रिलेटेड, क्योंकि ब्लीच भी बहुत अच्छा प्रोसेस होता है। तो इसे करें और इसे आप जरूरत पड़े तो बीच में एक बार कर सकते हैं, क्योंकि मेरे सारे व्यूवर्स मुझे कंटिन्यू यही मैसेज करते हैं कि मैम मैं ब्लीच को 15 दिनों में करूं या 10 दिनों में करूं। नहीं, मैं उन्हें एडवाइस करूंगी कि ब्लीच उतना भी अच्छा स्किन के लिए नहीं होता है। अगर आप चाहें तो इसे जरूरत पड़ने पे आप इसे 1 मंथ में 1 टाइम करें, अगर कहीं पार्टी में जाना हो या जरूरत हो गई तो आप करें, वरना आपने इसे सिर्फ 3 मंथ में एक बार ही करें, तब भी जरूरत है तो, वरना इसे अवॉइड करें। क्योंकि ब्लीच सिर्फ इंस्टेंट रिजल्ट देता है, जब बहुत इमरजेंसी हो, आपका फेस बहुत डल है, आप अपने आप को थोड़ा सा अच्छा नहीं महसूस कर रहे हो तो आप यूज करें, बट अगर फेयर हो तो बिल्कुल भी ब्लीच का इस्तेमाल ना करें। ये मेरी पर्सनल एडवाइस हो गई गाइस। सो गाइस, अभी चैनल तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमेशा मेरे आने वाले न्यू वीडियो से अपडेट रहेंगे, और साथ में बेल का आइकन भी क्लिक करें, जिससे मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी और आप मेरी वीडियो वॉच कर पाएंगे, वरना पता चला कि आपने वीडियो देख ही नहीं पाए। सो गाइस, तो मैं आपको इसको थोड़ा सा ये दिखा देती हूँ। जैसा कि मैंने बताया, इसमें जो केमिकल होते हैं ना, इंस्टेंट ब्लीच ही स्किन के लिए उतना अच्छा नहीं होता है, बट फिर भी लोग इसे यूज करते हैं। मैं खुद यूज करती हूँ तो मैं ये क्यों नहीं बोलूंगी। सो गाइस, तो इसलिए इस्तेमाल करें, इसके जो केमिकल होते हैं बस वो 1 टाइम यूज करें। रेगुलर यूज करने से स्किन जल जाएगी, ये सच है, स्किन ब्लैक भी पड़ जाएगी बस रेगुलर यूज करने से। ऐसा नहीं है कि अपने इसे 15 दिन में एक बार यूज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है ब्लीच के लिए। सो गाइस, लोग मुझे बोलते हैं कि मैं बहुत बोलती हूँ, विदाउट बोले मैं कैसे वीडियो अपने से बताऊंगी या कैसे एक्सप्लेन करूंगी कि बेनिफिट है नहीं है। अगर आप किसी पार्लर में जाते हो और आप बोलोगे कि मुझे मैम ब्लीच कर दीजिए, तो वो इंस्टेंट कर देगी, और आप 15 डेज के रिपीट भी जाओगे ना तो भी वो आपका ब्लीच करेगी। वो आपको कभी नहीं बोलेगी कि हाँ ब्लीच नहीं करना चाहिए, ब्लीच स्किन के लिए सही नहीं है। बट अगर आप सिर्फ 3rd डे भी बोलोगे ना ब्लीच करने, तो वो कर देगी, क्योंकि उन्हें क्या है, उन्हें सिर्फ पैसा ही चाहिए। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने जो लोग मेरी वीडियो नहीं वॉच करना चाहते हैं तो वो डिसलाइक करें और चले जाए, क्योंकि लोग तो देखने से पहले ही वीडियो को डिसलाइक कर देते हैं कि वीडियो में है क्या, बिना उसे जाने। सो फ्रेंड, जो मेरे व्यूअर्स हैं जो कंटिन्यू मुझे देखते हैं, तो मैं उनके लिए ये वीडियो बनाती हूँ और वो देखें, आगे भी देखें और पूरा बात समझे, विदाउट वीडियो को स्किप किए हुए। स्किप करने से कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसमें मिला क्या है, आपने इसमें एक मैनुअल गाइड भी है, जो कि आप पढ़ें और इसे गाइडेंस लें, क्योंकि इसके अंदर जो गाइस किसे आपने पढ़ सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ये हर लैंग्वेजेस में है, आपको जो भाषा आती है वो भाषाओं में ये है, तो आप इसे पढ़ के अपना गाइड हो सकते हैं। जरूरी नहीं है, क्योंकि क्यों मिलता है फिर, अगर आप खुद से कर सकते हैं तो। बाकी इसका इंस्ट्रक्शन के लिए मैं हूँ, इससे कोई भी जुड़े प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बिल्कुल पूछें। ये है मेरा क्रीम ब्लीच और ये है हमारा पोस्ट ब्लीच। पोस्ट ब्लीच और प्री ब्लीच में क्या फर्क होता है, पोस्ट मतलब हो जाने के बाद की है, ब्लीच अगर हो जाएगी उसके बाद की ये क्रीम है, इसका अभी कोई काम नहीं है। और ये है ऑक्सी पाउडर एक्टिवेटर, तो जो कि मैं मिक्स करके आपने बताऊंगी। आई साथ में हमें एक छोटा सा स्पैचुला मिला है, तो ये इसे मिक्स करने में हेल्प करेगा। और साथ में मैं यूज करूंगी रोज वाटर, बिकॉज मैं ब्लीच में रोज वाटर डालती हूँ, क्योंकि रोज वाटर डालने से इसमें थोड़ी सी जलन कम होती है। सो गाइस, तो अब मैं इसका अमाउंट बता देती हूँ, आपने कितना से कितना लेना है। ऑक्सी लाइफ हमें कब यूज करना चाहिए, जब हमारी स्किन एकदम बहुत ही ज्यादा डल लगने लगे, स्किन एकदम ब्लैक हो जाए, आपको लगे कि आपके फेस पे ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी हो रही है, क्योंकि फेस पे थोड़ा ऑक्सीजन होना जरूरी है। जो कि मेरा ईद स्पेशल है, तो मैं ईद के लिए इस ब्लीच को यूज करूंगी अपने वीडियो बनाने के बाद। अब मैं इसमें थोड़ा सा कट लगा के रख ले रही हूँ पोस्ट ब्लीच को यूज करने के लिए। और गाइस, मैं आपको इसका इंस्ट्रक्शन बता देती हूँ कि आपने कितना एक्टिवेटर डालना है।
सो गाइस इसे मैंने खोल लिया है, देख सकते हैं कि मैंने कवर हटा दिया और ये वन टाइम यूज पैक है, इसे रखने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। अगर आप ऐसे अलग अलग रखते हैं तो ये रह भी जाएगा, बट आप सोचेंगे कि आपने इसे पेस्ट बना के इसका रखना है तो ये बिल्कुल भी गलत है। सो गाइस मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इसका अमाउंट कितना यूज करना है। ये बहुत ज्यादा ही देता है पर आपने इतना यूज नहीं करना। अगर आपकी स्किन फेयर है तो आपने इतना लेना है, अगर स्किन डार्क है तो इसे थोड़ी सी पिंच कम कर देना है, बस ये जरूर ध्यान रखें। और ऐसा नहीं है कि आपने पूरा एक्टिवेटर डाल देना है, देख सकते हैं कि इसमें पूरा एक्टिवेटर भी बचा हुआ है, मैंने इसका ये लिया है, बस ये वन पिंच आएगा अपने फेयरनेस के लिए। अगर डार्क स्किन वाले हैं तो आपने इसका थोड़ा सा अमाउंट इतना हटा देना है, अगर एक्टिवेटर डालेंगे ही नहीं तो आपने कुछ रिजल्ट आएगा ही नहीं। तो डार्क स्किन वाले लोग ये डालेंगे और फेयर स्किन वाले जो लोग हैं वो पूरा अमाउंट इतना यूज करके डालेंगे, ये जरूर ध्यान रखें। तो ये मैंने इस तरह से वीडियो मैं इस तरह से एक्टिवेटर डालती हूँ। अगर आप चाहेंगे तो सोचेंगे कि अगर ये बिना एक्टिवेटर डाले ब्लीच बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि बिना एक्टिवेटर डाले ब्लीच बनता ही नहीं है। सो गाइस इसी तरह से मिक्स करें। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप ऑफ रोज वाटर ऐड करूंगी, इस तरह से ऐड करें और उसके बाद फिर आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और देखेंगे कि ये थोड़ा सा डार्क ब्लू हो गया, पर आपने इसे थोड़ा सा लाइटेस्ट ब्लू करना है। अगर आप ये पूरा तैयार करेंगे तो आपकी लाइट ब्लू होगी और ये वन टाइम यूज पैक है, ये जरूर ध्यान रखें। फिर आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, आपने मिक्स करने के लिए टाइम ज्यादा नहीं लेना है कि आपने मिक्स करके इसे 10 से 15 मिनट छोड़ देना, बिल्कुल भी नहीं, बस आपने इसे इंस्टेंट करना और अपने फेस को इस तरह से क्लींजिंग मिक्स से पूरा क्लीन कर लें। मसाज करते हुए आपने 2 से 3 मिनट के बीच मसाज करना है, 2 से 3 मिनट मसाज करें और उसके बाद फिर अपने मसाज के बाद स्किन को पूरी तरह से ड्राई करना है। फिर आपने हेयर बैंड लगाना है, पूरी अच्छी तरह से क्लिप करना है हेयर को। उसके बाद आपने क्या करना है, पहले आपने साइड हेयर लोब के पास लगाना है कान के बगल में, फिर आपने अपर लिप यूज करना है क्योंकि वहीं पे हेयर की ग्रोथ थोड़ी सी होती है। और याद रखिए ब्लीच से कभी वैक्स नहीं होता है। बहुत सारे मेरे फैंस बोलते हैं कि मैम क्या ब्लीच से वैक्सिंग हो जाती है? नहीं, वैक्सिंग नहीं होती, बस आपके हेयर जस्ट गोल्डन हो जाते हैं और जिससे आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा फेयर दिखने लगती है और इवन टोन हो जाती है, पूरी फेस एकदम इक्वल लगती है, उसे फेयर लगती है स्किन। तो इस तरह से मैं अपने बता दिया और फिर अपने इस तरह से ब्लीच को पूरी अप्लाई करें और हमेशा ब्लीच को नीचे की तरफ अप्लाई करें, ये जरूर ध्यान रखें इस तरह से नीचे की तरफ करें और कवर होना चाहिए। आपने थिक लेयर लगाना है, थिन लेयर नहीं, ब्लीच में अगर थिक लेयर लगाइएगा तो अच्छी होगी, वरना अगर पतली लेयर होगी तो ब्लीच सही नहीं होगा। तरह से पूरी लेयर लगा ले, इस तरह से अपने पूरा लेयर लगा लेना है और आपने इसे ड्राई होने देना है। फिर जब ड्राई हो जाए आपने 15 से 18 मिनट 19 मिनट रखे ब्लीच को, या भी 20 मिनट रख सकते हैं, पर अगर स्किन डार्क है और ब्लीच कर रहे हैं तो आपने सिर्फ 15 मिनट ही रखना है। ये फेयरनेस वाले लोग 20 मिनट तक रख सकते हैं ऑलमोस्ट, और अगर ब्लीच ना हो तो एक बार आपने अपने ब्लीच को इस तरह से नेल से ही इस तरह से करके देखे, अगर हेयर पे थोड़ी सी गोल्डन आ चुकी है तो आपने करना है और वॉश कर देना है। और वॉश करने के वक्त भी आप अपने स्किन पे ठंडा पानी स्प्रेड करें, कुछ बूंदे छींटे मारे ठंडे पानी की, कोल्ड वाटर की, और उसके बाद फिर इक्वली इस तरह से ऐसे ऐसे करके मैच करें। उसके बाद अपने ब्लीच को वाइप करना है या फिर डायरेक्ट धो देना है, उसके बाद आपने अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो फ्रेंड मैं इसको ड्राई होकर दिखा रही हूँ। सो फ्रेंड ये ऑलमोस्ट मेरी ड्राई हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे आपको बता रही थी कि जैसे कि मैंने ठंडा वाटर का कहा था कि रोज वाटर के छींटे मारे, तो आपने इस तरह से अपने फेस पे लेना है और इस तरह से बूंदे अपने फेस पे मारे और जब भी आप ऐसे ऐसे करके रब करें पूरी फेस पे, इस तरह से रब करके उसके बाद अपने आईज क्लोज रखें। याद रखें आईज ब्लीच के दौरान कभी ना खोलें, उससे आपकी स्किन पे जलन होगी। तो इस तरह से आपने कर लेना है, फिर आपने 2 मिनट होल्ड करना है। ये मेरी ब्यूटी एडवाइस हो गई, यही मेरा ब्यूटी मंत्र है, याद रखें, ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा। उसके बाद फिर आपने इसे वॉश ऑफ कर लेना है। सो फ्रेंड देख सकते हैं कि यहाँ की स्किन मैंने वॉश कर लिया है, तो वॉश करने के बाद यहाँ की स्किन कितनी फेयर और स्मूथ हो गई है, यहाँ के अकॉर्डिंग इस हाथ के अकॉर्डिंग बहुत ही फेयर दिख रहा है, देख सकते हैं आप इसका रिजल्ट। और ये इंस्टेंट रिजल्ट देता है क्योंकि ये ब्लीच है। यहाँ की स्किन मेरी गोल्डन गोल्डन हो गई है, मैं आपको कैसे दिखाऊं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी मुझे बाल है, बिकॉज मेरे हैंड पे उतने हेयर नहीं है, तो आपको मैं दिखा देती यहाँ पे करके, वरना यहाँ उतने हेयर नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे किया। देख सकते हैं यहाँ की स्किन यहाँ से यहाँ की थोड़ी सी डिफरेंसेस हो गई और यहाँ की हेयर तुरंत गोल्डन
गोल्डन हो गई और यहाँ स्किन बहुत स्मूथ लग रही है और बहुत ही अच्छा टेक्सचर मुझे लग रहा है। तो आप यूज करें ब्लीच। अब ब्लीच ये इसमें क्या क्या हमें मिलता है, डार्क स्पॉट्स, अनइवन स्किन टोन, डल स्किन, डेड स्किन सेल, सन टैन, ये सारे स्किन से ये हेल्प कराता है। डार्क स्पॉट्स तो स्किन पे होते ही है फ्रेंड, अनइवन स्किन टोन सभी की होती है, डल स्किन भी हो जाते हैं, डेड स्किन सेल्स चले जाते हैं और सन टैन से भी ये मुक्ति कराता है, बिकॉज ब्लीच इवन टोन देता है तो ये सन टैन से फ्रेश कराता है। फिर स्किन यहाँ की ड्राई हो गई तो आपने क्या करना है, इस तरह से यहाँ पे पोस्ट ब्लीच क्रीम को अप्लाई कर लेना। ये जेल टाइप की है तो ये पोस्ट ब्लीच को आप लगा के छोड़ दें। और याद रखिए कि ब्लीच करने के बाद आपने 5 आवर तक अपने फेस वॉश, क्रीम पैक, फेस पैक या कुछ भी नहीं लगाना है, याद रखिए। और ब्लीच करने के बाद तुरंत आप चाहें तो फेशियल कर सकते हैं अपने फेस पे, बिकॉज ब्लीच से, फेशियल से पहले ब्लीच किया जाता है, ब्लीच से उसके बाद अगर ब्लीच के कोई थोड़े हार्मफुल इफेक्ट होते हैं तो वो आपकी स्किन से फेशियल करने से चले जाते हैं। और ब्लीच के तुरंत बाद आपने ये पैक लगा लेना है पोस्ट ब्लीच, उसके बाद आप चाहें तो कोई एक अच्छा सा फेस पैक लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा उसमें केमिकल बेसिक ना हो, जैसे हार्मफुल ना हो, तो वो पैक आप जरूर ट्राई करें। अगर वो आप लगा लेंगे तो इससे स्किन आपकी फेयर होते जाएगी। बट आपने तुरंत कुछ मेकअप ये वो नहीं करना है, अगर जरूरत पड़े तो कर सकते हैं, बट ऐसे आई सजेस्ट कि आप ना करें। और 5 आवर तक अपने फेस वॉश या सोप यूज नहीं करना। सो फ्रेंड, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, मेरे वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड में जरूर शेयर करें गाइस, इससे मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल सी यू सून विद माई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माई ऑल ब्यूटीज।